बिहार के 73,000 शिक्षकों को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, इन 73,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। दरअसल मामला फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। इन 73,000 शिक्षकों को कहा गया था कि आप अपने डिग्री का सत्यापन करें, लेकिन अभी तक इनका कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और शिक्षा विभाग के पास भी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं। तो देखिए, इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और निगरानी विभाग को 2 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि इन 2 सप्ताह के अंदर आप तमाम रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करें। राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की बहाली मामले को लेकर रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य निगरानी विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट देने की बात कही थी और इसके लिए 2 सप्ताह का समय जो है वो भी दिया गया है। इसके बारे में यह भी आपको बता दें कि अभी तक 73,000 शिक्षकों के फोल्डर जो है वही नहीं मिले हैं। ये मामला काफी दिनों से चल रहा है और जांच की रफ्तार अभी कुछ धीमी पड़ी है। अब देखो, इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट में पहले भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके तहत ये जितने भी शिक्षक हैं वो अपना डिग्री या फिर उससे संबंधित जो कागजात है वो दे सके। तो देखिए, इसमें यह देखने को मिल रहा है कि समय तो बीतता चला जा रहा है लेकिन इन 73,000 शिक्षकों की डिग्री का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया। तो देखिए, मामला जहां फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, बिहार में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर फर्जी तरीके से डिग्री रख के लोग दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट सजग हो गए हैं और करीब 73,000 शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट का सत्यापन है या फिर उनका डिटेल्स कहाँ है इसके बारे में भी कहा जा रहा है और इसको लेकर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं एक समय दिया गया है, निगरानी विभाग को भी एक समय दिया गया है कि बिहार के जितने करीब 73,000 शिक्षक हैं अगर उनका कोई भी डेटा नहीं है तो इनकी नौकरी जो है वो जा सकती है। शिक्षा विभाग के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि जितने ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं या उनके पास कोई इसका डिटेल्स नहीं है और कहीं रिकॉर्ड्स नहीं है तो अब उनके ऊपर गाज गिर सकती है। पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इन शिक्षकों का अगर डिग्री सत्यापन नहीं होता है या आप डिग्री जमा नहीं करते हैं तो इनकी नौकरी जो है अब चली जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये पहले भी मामला जो है वो सामने आया था लेकिन इसमें रफ्तार जो है सुनवाई की रफ्तार कहे या फिर काम की रफ्तार कहे तो थोड़ी धीमी चल रही थी लेकिन इसी में तेजी लाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने भी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लिए। बिहार के 73,000 शिक्षकों की जाएगी नौकरी क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट पे वो सब नौकरी करता है और पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई किया है। 2 हफ्ते का समय दिया है सभी बिहार के सभी 73,000 शिक्षकों की जो फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी करते हैं और शिक्षा विभाग के पास इसका डाटा नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर वेबसाइट पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, अगर वेरीफाइन अगर नहीं करता है तो 73,000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी, जो कि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी हम आपको बता दिए है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।